नमस्ते, आनंद नाम है हमारा और आप देख रहे हैं मूव मीडिया। व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है जो पहले 7 मई तक थी वो अब 15 मई तक हो गई, यानी आज तक वो हो गई है। अगर आज तक यानी 15 मई तक अगर आप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी और पॉलिसी को फॉलो नहीं किया या उससे स्वीकार नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आगे आपके अकाउंट के साथ क्या हो सकता है, क्या आपका अकाउंट डिलीट होगा या आपके अकाउंट पर कुछ अलग बात होगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। व्हाट्सएप ने हमें प्राइवेसी और पॉलिसी को लेकर हमेशा से ये कहता है कि वो प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर हमेशा क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक दाखिला एक याचिका हुई थी। वहाँ पे व्हाट्सएप ने ये कहा था कि तमाम इंटरनेट ऐप हैं जो डाटा को लेते हैं, जैसे बिग बास्केट हो गया, कू हो गया, ओला हो गया, ट्रू कॉलर हो गया, वो भी सारे यूज़र के डाटा को स्टोर करते हैं, तो वही काम हम भी कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में बताते हैं कि आज के बाद अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते नए वाले व्हाट्सएप के तो क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। व्हाट्सएप ने ये क्लियर कह दिया है कि वो आपके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो अकाउंट होने और ना होने के दोनों के बराबर है। तो आइए जानते हैं क्या होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप किसी को मैसेज नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी के कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, यानी आप किसी के कॉल को ना आप उठा पाएंगे ना रिसीव कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने ये कहा कि अगर आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपका अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा, और साथ ही साथ अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आज के लिए आप हमेशा के लिए काम करेंगे। अब आते हैं थोड़े बहुत कि अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं या प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। तो कुछ फीचर्स हैं जिन्हें व्हाट्सएप जो है वो उन यूज़र को नहीं देगा जो उसके नए प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। यानी आज के बाद अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया है व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के नए नियम को तो हो सकता है आपको ये फीचर्स ना मिले, जैसे कि आप किसी के को कॉल नहीं कर पाएंगे, आप किसी के मैसेज को नहीं पढ़ पाएंगे, आप किसी को मैसेज भी नहीं भेज पाएंगे। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप जो है वो आपको नोटिफिकेशन भेज भेज के ये सूचित करता रहेगा हमेशा कि आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को आप अपना लीजिए, आप उसे मान लीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आप 15 मई तक नहीं करते हैं, यानी आज तक अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपके पुराने चैट जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, आप जिस ग्रुप में हैं वो ग्रुप से आप रिमूव हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपका चैट का जो बैकअप है वो डिलीट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप ने ये कहा है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं आज रात तक तो आपका अकाउंट बचा जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यही बात है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको सारी सर्विस ही वो नहीं देगा, तो फिर अकाउंट डिलीट करना ही आपको पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको प्राइवेसी पॉलिसी मानना है या नहीं मानना है। ये वीडियो अगर आप अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मूव मीडिया को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मूव मीडिया को जरूर लाइक कीजिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।